सो हे गाइज, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इंस्टाग्राम के एक और वायरल वीडियो के ट्यूटोरियल के अंदर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये कॉम्बो पैक होने वाला है, यानी इस वीडियो में दोस्तों आपको VFX एडिटिंग के साथ ही स्टेटस एडिटिंग भी मिलने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों आप स्टेटस की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो इस समय इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है, यूँ आप कह सकते हैं दोस्तों ट्रेंडिंग में जाने वाला है। अगर आप इस तरह के वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो भी वायरल हो जाए। तो यार, बकबक बहुत कर ली, पहले आप स्क्रीन पे उस वाले वीडियो को देख लीजिए। अब दोस्तों, जिस वीडियो को आपने भी स्क्रीन पे देखा है, आज के इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों आपके पास कलम और कॉपी भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आगे आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको कलम या कॉपी पे दोस्तों लिखना पड़ेगा। तो कलम और कॉपी रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं पॉइंट पे। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप कपड़े चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अपने वीडियो में दोस्तों कपड़े चेंज करके वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको छोटा छोटा वीडियो क्लिप शूट कर लेना है। यानी दोस्तों आपने कपड़े को चेंज किया, कुछ अच्छा सा पोज दिए, एक वीडियो शूट कर लेना है। इसी तरह से दोस्तों आपको अलग अलग पोज में, अलग अलग कपड़े में वीडियो को शूट कर लेना है। और अगर दोस्तों आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कोई आपका एक वीडियो होना चाहिए, इसके साथ ही दोस्तों आपका 10 फोटो होना चाहिए। बाकी का एडिटिंग दोस्तों हम लोग करने वाले हैं काइन मास्टर में। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरे काइन मास्टर में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके 9 और 16 वाला इस पर ट्रेसो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सारे वीडियो को, या फिर दोस्तों स्टेटस वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं, तो अपने एक वीडियो को और सारे फोटो को एक साथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ से मेरे सारे फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से दोस्तों आपको अपने सारे वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको डबल फिंगर से टैप करके अपने वीडियो के टाइमलाइन को बड़ा कर लेना है, ताकि आपको एडिटिंग करने में आसानी हो, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो को हम लोग लेके आएंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, साउंड को ऐड करने वाले हैं। तो साउंड वाले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपको फटाफट उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहीं पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद यहां से इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को बनाने के लिए आपके पास कलम और कॉपी होना चाहिए, तो कलम और कॉपी भैया जल्दी से निकाल लीजिए। यहां पे स्क्रीन पे दोस्तों मैं कुछ टाइमिंग यहां पे शो कर रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों यहां से आप कलम और कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो भैया आपने लिख लिया, चलिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों इस वीडियो को कटिंग करने में आपको ध्यान देना है। यानी दोस्तों मैंने यहाँ पे पहली बार जो टाइम आपको दिखाया था 4.5 सेकंड, यानी दोस्तों 4.5 सेकंड, तो वीडियो को आपको इस तरह से स्लाइड करते हुए 4.5 सेकंड पे लेके जाना है। ये रहा दोस्तों हमारा 4.5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, कैंची बजाएंगे, और यहाँ से दोस्तों आपको राइट और प्लेट करके काट देना है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे। दूसरा दोस्तों जो हमारा टाइम था 4.6 था, तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा यहीं पर होने वाला है। 4.6 पे क्लिक करेंगे, इस तरह से कैंची पे जाएंगे और राइट और प्लेट करके काट देंगे। ओके करेंगे, तीसरे फोटो पे क्लिक करेंगे। तीसरा फोटो दोस्तों हमारा था 5.25, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.25, ये रहा 5.25। यहाँ से क्लिक करेंगे, कैंची पे जाएंगे और राइट और प्लेट करके काट देंगे। इसी तरह से दोस्तों जितने भी टाइम मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो किए थे, एक बार फिर से मैं शो कर दे रहा हूँ, इस टाइम के हिसाब से दोस्तों आपको अपने सारे फोटो को कटिंग कर लेना है। Few moments later. तो फाइनली दोस्तों सारे फोटो को मैंने टाइम के हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसी तरह से आपको अपने सारे वीडियो को भी कटिंग कर लेना है। अब वीडियो को दोस्तों हम लोग लेके आएंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे। अगर आप गाइज यहाँ पे फोटो से वीडियो को बना रहे हैं, यानी स्टेटस वाला वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फोटो पे क्लिक करना है। अगर आपका फोटो दोस्तों यहाँ पे फुल स्क्रीन में नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है और दो बार दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ से इक्वल करेंगे और ओके कर देंगे। दूसरे फोटो पे क्लिक करेंगे, सेम आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है, दो बार यहाँ पे स्क्रीन पे टैप करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इसको इक्वल करेंगे, ओके कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको अपने सारे फोटो को पहले दोस्तों फुल स्क्रीन में कर लेना है। Few moments later. तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ से फुल स्क्रीन में सारे फोटो को कर लिया, जैसा कि देख सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को आपको फिर से स्टार्टिंग पोजिशन पर लेके आना, जैसा कि देख सकते हैं आपको पहले फोटो पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने पहले फोटो पर यहाँ पर क्लिक कर लिया है।
उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिप ग्राफिक में जाना है। यहीं पे दोस्तों आपको नीचे कॉलमी डीजे का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके काइन मास्टर में दोस्तों कॉलमी डीजे का ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो को देख के आप अपने काइन मास्टर में फ्री में कॉलमी डीजे दोस्तों डाउनलोड करना सीख जाएंगे। तो कॉलमी डीजे पे जाएंगे, 3 नंबर वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। इसी तरह से दूसरे फोटो पे क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक में जाएंगे, सेम दोस्तों आपको यहाँ पे कॉल मी डीजे पे जाना है, 3 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको अपने सारे फोटो में कॉल मी डीजे वाले इफेक्ट को लगा लेना है। Few moments later. तो फाइनली दोस्तों मैंने मेरे सारे फोटो में यहाँ पे कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट लगा लिया, जैसा कि देख सकते हैं। अब दोस्तों डबल फिंगर से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के टाइमलाइन को छोटा कर देंगे, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपका वीडियो बन जाएगा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारा वीडियो साउंड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया है। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है, 1080 और यहाँ से दोस्तों 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे।